हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम इसमें बताने वाले हैं कि स्मूदनिंग, केराटिन, बोटॉक्स और केरास्मूथ, इन चारों चीज़ों के बीच में क्या फ़र्क होता है। मैं आपको सारा कुछ रिटन में समझाऊंगी सो दैट आप उसका एक स्क्रीनशॉट ले सको, ताकि कोई प्रोफेशनल या कोई भी अगर ये चीज़ देख रहा है, क्योंकि मोस्टली क्लाइंट्स की जो है कंफ्यूजन होती है कि इन चारों में डिफरेंस क्या है। सो मैं आपको आज सारी चीज़ों का डिफरेंस इसमें बताऊंगी और इसके स्टेप्स भी बताऊंगी, तो उसके लिए आप पूरी वीडियो में बने रहो। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है कि इसमें से कौन सा जो प्रोसीजर है वो केमिकल बेस्ड होता है। तो हमारी स्मूदनिंग इज़ येस, हाँ स्मूदनिंग केमिकल बेस्ड है। केराटिन केमिकल बेस्ड नहीं है, बोटॉक्स केमिकल बेस्ड नहीं है, केरास्मूथ 50-50 आपका केमिकल बेस्ड भी है, प्लस उसमें प्रोटीन भी आपको केराटिन में मिलता है, तो वो आपका एक तरीके से रिपेयर ट्रीटमेंट भी है, बट उसमें केमिकल यूज़ होता है। सेकेंड हमारा पॉइंट है स्ट्रेट कितना करता है। तो जो हमारा स्मूदनिंग है वो स्ट्रेट करता है 90-95% या 99% तक। जो हमारा केराटिन है वो स्ट्रेट करता है सिर्फ 30%, या आप एक तरीके से लगा लो कि सिर्फ स्मूथ करता है, वो जिस भी टेक्सचर का हेयर है उसका 30% स्ट्रेट करेगा सिर्फ। जो हमारा बोटॉक्स है वो हमारा 80% हेयर को स्ट्रेट करता है, और जो हमारा केरास्मूथ होता है वो 80-90% हेयर को स्ट्रेट करता है। ठीक है, वो 80-90%, 30%, ये सारे परसेंटेज आपके हेयर के टेक्सचर पे डिपेंड करते हैं। थर्ड हमारा पॉइंट है इसका ड्यूरेशन क्या होता है, ये कब तक आपका स्टे करता है। तो जो हमारा स्मूदनिंग है वो हमारा 1 साल तक स्टे करता है, या फिर वो आप उसे परमानेंट भी कह सकते हो, क्योंकि वो आपका हेयर जब तक कट नहीं जाता वो हेयर स्ट्रेट ही रहता है। हाँ, थोड़ी शाइन कम हो जाती है 1 साल के बाद, बट वो स्ट्रेट रहता है। केराटिन जो है हमारा वो हमारा 3-4 मंथ तक रहता है, या फिर ये डिपेंड करता है आप कितने वॉशेस करते हो अपने हेयर में। और हमारा जो बोटॉक्स है वो भी हमारा 3-4 मंथ्स का स्टे होता है। जो हमारा केरास्मूथ है उसका भी, उसका अप्रॉक्स 1-1.5 ईयर तक का स्टे रहता है। ठीक है, हमारा फोर्थ पॉइंट है वॉश। इसका जो फर्स्ट वॉश होता है इस प्रोसीजर का, वो कितने टाइम बाद होता है। स्मूदनिंग का जो आपका फर्स्ट वॉश होगा वो 48 आवर्स के बाद या 72 आवर्स के बाद होगा। जो आपका केराटिन का वॉश है वो भी 48 आवर्स बाद होता है। जो बोटॉक्स का वॉश है वो आपका सेम डे होता है, यानी कि जिस दिन आपने बोटॉक्स कराया सेम डे आपका वॉश हो जाता है। और जो आपका केरास्मूथ है उसका भी 48-72 आवर्स के बाद वॉश होता है। सो अब हम बात करते हैं कि जो हमारी स्मूदनिंग होती है इसमें हमारे फेमस ब्रांड्स कौन से होते हैं। तो ये आपको लॉरियल में मिल जाएगा, या आपको शॉर्ट्सकॉफ में मिल जाएगा, या आपको स्ट्रीक्स में मिल जाएगा, या आपको मैट्रिक्स में मिल जाएगा, और कई सारे मार्केट में ब्रांड आते हैं। ये फेमस ब्रांड्स हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं और सबसे अच्छे रिजल्ट्स हैं जिनके। सो मैं आपको स्मूदनिंग के स्टेप्स बताऊंगी कि स्मूदनिंग के स्टेप्स क्या होते हैं। अगर आपको एक स्मूदनिंग में एक प्रॉपर वीडियो चाहिए, ट्यूटोरियल, तो वो मैं बना दूंगी, आप कमेंट कर दो नीचे। सो स्मूदनिंग में हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, हम स्मूदनिंग क्रीम अप्लाई करते हैं वॉश करने के बाद। ऑब्वियसली पहले हम हेयर वॉश करते हैं, फिर हम स्मूदनिंग क्रीम या रिलैक्सर जिसे कहते हैं वो अप्लाई करते हैं। और हम फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हेयर का बॉन्ड ब्रेक करते हैं। सेकेंड में हम वाटर रिंस आउट करते हैं स्मूदनिंग को। थर्ड में हेयर वॉश करते हैं हम, और 10 मिनट्स तक मास्क लगा के छोड़ देते हैं। वॉश हम ओनली वाटर से करते हैं, शैम्पू इसमें यूज़ नहीं करते। फिर हम ड्रायर करते हैं, प्रेसिंग करते हैं, न्यूट्रलाइजर लगाते हैं, फिर हम वाटर रिंस आउट करते हैं, मास्क लगाते हैं एंड ड्रायर, डन। फिर आपको 2 दिन बाद वॉश करना है। अब हमारा सेकेंड है केराटिन। केराटिन में हमारा स्टेप्स क्या होता है, फर्स्ट हेयर वॉश करना है 2 बार, ताकि हेयर के क्यूटिकल अच्छे से ओपन हो जाएं, सो दैट हमारा प्रोडक्ट हेयर में अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए। सेकेंड हमारा होता है इसमें पॉइंट केराटिन की एप्लीकेशन। जो हमारा केराटिन की एप्लीकेशन है, देखो हर केराटिन का ब्रांड अलग सजेशन देता है कि आप वेट हेयर पे करो या ड्राई पे करो। जो मैं केराटिन यूज़ कर रही हूँ वो 60-50% ड्राई हेयर पे करना होता है, बाकी आप प्रॉपर वेट पे ना करो, आप मिड वेट पे या थोड़ा सा ड्राई हेयर पे करोगे ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। आपका थर्ड पॉइंट इसमें होता है कि आपको आफ्टर 45 मिनट्स ड्रायर करना है हेयर को, जो कि आपको लो हीट पे करना है, ज़्यादा हीट डायरेक्टली आपको नहीं देनी है। मेरा केराटिन सजेस्ट करता है 45 मिनट्स के बाद ड्रायर। आपका केराटिन अगर हाफ एन आवर में करता है तो आप हाफ एन आवर में भी कर सकते हो, या 1 आवर में कर सकते हो, वो प्रॉपर डिपेंड करता है आप क्या ब्रांड यूज़ कर रहे हो। फोर्थ इसमें हमारा होता है ड्रायर करने के बाद हम स्ट्रेट ड्रायर करते हैं, जो कि हम हीट से या मीडियम हीट से कर सकते हैं। फिफ्थ हमारा होता है आइनिंग, यानी कि प्रेसिंग जिसे कई लोग कहते हैं।
वो अकॉर्डिंग टू हेयर कंडीशन, अगर मेरे हेयर की कंडीशन वीक है तो मैं 190 टू 180 पे करूँगी, अगर मेरा हेयर वर्जिन है स्ट्रॉन्ग है तो मैं 210 या 230 तक भी कर सकती हूँ। सिक्स हमारा लास्ट प्रोसीजर इसमें होता है, आफ्टर 48 आवर्स बाद हम क्लाइंट को वॉश करने के लिए बुलाते हैं। फर्स्ट वॉश उनका हमारे साइड से होता है, जो कि कोई भी सल्फेट फ्री शैम्पू या मास्क हम यूज़ कर सकते हैं। सजेस्टेड ये रहता है आप बहुत अच्छे ब्रांड का करो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। और केराटिन में आफ्टर केयर में भी क्लाइंट को जो यूज़ करना है वो सल्फेट फ्री शैम्पू एंड मास्क ही यूज़ करना है। अगर आप उन्होंने किसी भी क्लाइंट ने सल्फेट्स यूज़ करें तो आपका केराटिन एक वॉश में ही निकल आएगा, सल्फेट्स पे केराटिन नहीं स्टे करता। अब हम आते हैं बोटॉक्स पे। बोटॉक्स का पूरा स्टेप्स पूरा प्रोसीजर सेम केराटिन जैसा होता है, बस एक डिफरेंस होता है कि आपका जो वॉश है वो आपका वॉश सेम डे ही हो जाता है। आपका जो फर्स्ट वॉश है यानी कि आपका सिक्स स्टेप केराटिन में, वो वॉश का जो है वो आपका बोटॉक्स में सेम डे होता है। आपको क्लाइंट को दो दिन बाद बुलाने की ज़रूरत नहीं है, उसका रिजल्ट सेम डे ही आ जाता है। और इसमें भी आपको सेम शैम्पूज एंड मास्क यूज़ करने हैं जो कि सल्फेट फ्री हो, एंड मास्क आपको ऐसा यूज़ करना है जो कि उसके जो ब्रांड का आप शैम्पू ले रहे हो सेम ब्रांड के साथ आपको मास्क भी मिलता है। इसमें बेटर सजेस्टेड जो शैम्पूज होते हैं वो मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी। तो हमारा फोर्थ इसमें जो प्रोसीजर मैंने आपको समझाया वो है केरा स्मूथ। अब केरा स्मूथ में हम क्या करते हैं, पहले हम पूरा स्मूथनिंग का प्रोसीजर करते हैं, यानी कि हम पहले बॉन्ड ब्रेक करते हैं फर्स्ट क्रीम के साथ स्मूथनिंग की, और उसके बाद हम क्या करते हैं पूरा आप एक तरीके से लगा लो आप स्मूथनिंग ही कर रहे हो पहले केरा स्मूथ में। हाँ, अगर आपके क्लाइंट का हेयर थोड़ा ज़्यादा वीक है वो स्मूथनिंग नहीं झेल सकता तो मेरा सजेशन ये होता है कि आप न्यूट्रलाइज़र मत लगाओ, आप पहले अपना बॉन्ड ब्रेक करो हेयर का, हेयर को वाटर रिंस आउट करो, मास्क शैम्पू कुछ मत लगाना। रिंस आउट करने के बाद आप क्लाइंट को चेयर पे लाके ड्रायर करके या फिर वेट हेयर पे आप केराटिन अप्लाई करो, और केराटिन अप्लाई करने के बाद आप ड्रायर और फिर स्ट्रेट ड्रायर और फिर प्रेसिंग, जो हमारा केराटिन का प्रोसीजर था वो आप हेयर पे कर दो, एंड आफ्टर 48 आवर्स या 72 आवर्स बाद आपको क्लाइंट को वॉश के लिए बुलाना है, ठीक है। अब देखो केरा स्मूथ बहुत ट्रिकी सा प्रोसीजर है। अब आपका अगर कोई क्लाइंट है जिसका बहुत स्ट्रॉन्ग हेयर है और वो ज़्यादा स्ट्रेट मांगता है हेयर, तो आप उस केस में पहले एक पूरा स्मूथनिंग कर सकते हो उनके हेयर पे, प्रॉपर जो स्मूथनिंग का प्रोसीजर है, उसके बाद आप उस हेयर पे केराटिन लगा दो और फिर आप केराटिन का प्रोसीजर कर दो। ये प्रोसीजर दोनों एक दिन में कर सकते हो, या फिर ये जो मैंने प्रोसीजर बताया थोड़ा छोटा प्रोसेस है, इसके रिजल्ट्स भी आज तक मैं करती हूँ और हमेशा अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, नो कंप्लेंट्स। एंड इसका वीडियो आप मेरे प्रोफाइल पे जाकर देख सकते हो केरा स्मूथ कैसे करना है, एंड केराटिन का भी वीडियो मेरे प्रोफाइल पर है। और केराटिन एंड बोटॉक्स दोनों सेम प्रोसीजर से ही किए जाते हैं। अब इसमें आपका शैम्पू जो होगा वो सल्फेट फ्री शैम्पू एंड मास्क होगा, जो कि आपका केराटिन में या बोटॉक्स में मैंने आपको सजेस्ट करा है। ब्रांड अच्छा होना चाहिए, ऐसे नहीं आपको सल्फेट फ्री तो मार्केट में बहुत सारे मिल जाएंगे, आपको कोई ऐसा शैम्पू यूज़ नहीं करना जो डैमेज करे। अच्छे ब्रांड का यूज़ करोगे, जितना इन्वेस्ट करोगे ब्रांड में उतना हेयर अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी अब ये आपका केरा स्मूथ, जो आपका सेकंड तरीके का मैंने आपको अभी केरा स्मूथ समझाया, जिसमें आपको पहले स्मूथनिंग करनी है फिर केराटिन करनी है, ये आपका एक सेकंड तरीका है। अगर आपको लग रहा है आपके क्लाइंट का हेयर झेल सकता है स्मूथनिंग, आपका क्लाइंट हेयर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा डेंसिटी अच्छी खासी है हेयर की और हेयर बहुत अच्छा है, तो आप उसमें पहले प्रॉपर स्मूथनिंग करो फिर केराटिन करो, वरना पहले वाले स्टेप से रिजल्ट इतना मेंटेन नहीं रहेगा, ये सिर्फ वीक हेयर पे अच्छा रह सकता है, स्ट्रॉन्ग हेयर को इतना स्ट्रेट नहीं करेगा वो। अब आपका आता है आफ्टर केयर। अब इन चारों प्रोसीजर में आफ्टर केयर आपकी क्या होनी चाहिए, मतलब आपको कराने के बाद क्या आपको यूज़ करना है रिजल्ट मेंटेन करने के लिए, जो कि मैंडेटरी चीज़ें हैं। तो स्मूथनिंग के बाद जो सजेस्टेड शैम्पूज़ हैं जो अच्छे ब्रांड्स के हैं, बाकी देखो बहुत सारे ब्रांड मार्केट में हैं, आपको नॉलेज है तो आप कोई अच्छा ही ब्रांड यूज़ करोगे ऑब्वियसली। मेरे सजेशंस जो रहते हैं मेरे क्लाइंट्स को, स्मूथनिंग के बाद सबसे पहला सजेशन रहता है लॉरियल एक्सटेंजो का ब्लू शैम्पू एंड मास्क प्लस सिरम, ठीक है। एंड उसके बाद जो हमारा दूसरा होता है वो होता है केराटिन, जिसमें मैं सजेस्ट करती हूँ लॉरियल एक्सटेंजो गोल्डन शैम्पू एंड मास्क। गोल्डन कलर में आता है ये, सल्फेट फ्री भी होता है, और जो स्मूथनिंग में आता है वो ब्लू कलर में होता है, सल्फेट फ्री नहीं होता है, तो स्मूथनिंग का अलग है और केराटिन का अलग है, ठीक है।
और इसमें सिरम आप वैसे देखो सिरम कोई सा भी टू बी वेरी ऑनेस्ट आप ले सकते हो, बट अगर आप सेम ब्रांड का लो तो ज़्यादा बेटर है, वो ज़्यादा अच्छा होता है। उसके बाद हम बोटॉक्स पे आते हैं। बोटॉक्स भी सेम आपको शैम्पूज यूज़ कर सकते हो जो आप केराटिन में कर रहे हो, अच्छा ब्रांड होना चाहिए, फिर से मैं यही बोल रही हूँ। और केरास्मूथ में भी आप सेम ब्रांड के शैम्पू और मास्क जो है वो यूज़ कर सकते हो। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी और क्वेरीज या कोई भी क्वेश्चंस हो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। थैंक यू।